नमस्कार दोस्तों, मैं अक्षय पांडे स्वागत करता हूँ आपका शेयर में। और इस वीडियो में बात करेंगे एसएससी सीजीएल 2019 के ऊपर कि लास्ट 20 डेज बचे हैं आपके पास। मतलब अगर आप अप्रॉक्स माने, अगर आप स्टार्टिंग में ही एग्ज़ाम मानते हैं तो 19-20 दिन जो बचे हैं आपके, आप इन दिनों का यूज़ करके कैसे आप मतलब अभी आपको क्या किस चीज़ के लिए प्रिपरेशन करनी चाहिए और किस चीज़ का रिविज़न करना चाहिए, ठीक है। और जीएस को लेकर लोगों को बहुत कन्फ्यूज़न है कि जीएस में क्या पढ़ना चाहिए और कहाँ से क्वेश्चन आते हैं, तो इसमें मैं पूरा डिटेल्ड थोड़ा सा आपको स्ट्रेटजी बताऊंगा कि आपको इस हिसाब से पढ़ना चाहिए और मॉक किस हिसाब से देना चाहिए, ठीक है। तो बिना किसी ज़्यादा टाइम वेस्ट गंवाए हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जीएस के लिए, ठीक है। तो देखो, जीएस के लिए सबसे पहला आप काम करिए कि जितने भी आपके सीजीएल 2018, सीएचएसएल 2018, एमटीएस 2019, सीपीओ 2019 के जितने पेपर हैं, मतलब कि लास्ट ईयर के जितने भी पेपर एग्ज़ाम्स हुए हैं, उन सभी एग्ज़ाम्स के जो जीएस के क्वेश्चन हैं आप एक बार रिवीजन कर लीजिए। वहाँ से क्या होगा, आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि क्वेश्चंस किस हिसाब से आ रहे हैं, ठीक है। वैसे ही पैटर्न बनता है इधर भी, तो आप पहले वो काम कर लीजिए। उसके लिए आप क्या करते हैं, क्यूमैथ्स पे जाके वहाँ पे जितने भी मतलब पेपर्स हैं, प्रीवियस ईयर पेपर्स, वो आप डाउनलोड कर सकते हैं सारे पेपर्स। और मतलब अलग से कहीं 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 कंपाइलेशन भी मिल जाता है, तो आप वहाँ से भी कर सकते हैं। मेनली आपका टारगेट होना चाहिए, और वो आप पेपर डाउनलोड कर लेंगे तो आपको यहाँ पे भी काम आएगा और आपको थोड़ा सा इंग्लिश में वोकैब याद करने के लिए भी वहाँ पे काम आ जाएगा। तो पहला काम है आपका वो रिवीजन कर लीजिए, तो जितना जल्दी रिवीजन कर लेंगे आप उतना सही रहेगा, ठीक है। अब उसके बाद दूसरा जब काम हो जाए, जब ये हो जाएगा आपका, तो अभी आपको देखो क्या, आप हिस्ट्री ज्योग्राफी तो आप अभी कर नहीं सकते हो, तो सिंपल से आप क्या करो, केवल रिवीजन करना था, केवल एक पॉलिटी का रिवीजन कर लो और दूसरा जो है वो आप कर लो मतलब साइंस का। जो है वो इम्पॉर्टेंट तो है, लेकिन जहाँ तक लगता है अगर आप जिस फील्ड के हों, लेकिन बायो ऐसा है अगर आपने पढ़ रखी है तो आप बायो का रिवीजन करिए। अगर आपने बायो पढ़ी ही नहीं है, अगर आप सोच रहे हैं स्टार्टिंग करना, तो फिर मत कुछ करिए। मतलब मैं रिवीजन के लिए कह रहा हूँ इस वक्त, पॉलिटी और बायो ये दो एक इम्पॉर्टेंट फील्ड है जहाँ से क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा बनेंगे आपके जीएस पोर्शन में। तो यहाँ से आप इसको रिवीजन कर लीजिए, जो इम्पॉर्टेंट इम्पॉर्टेंट्स जो डेटाज हैं, जो फैक्ट्स हैं और जो क्वेश्चंस हैं, आप उनका रिवीजन कर लीजिए। रिवीजन के लिए अगेन आप या तो घटना चक्र भी से भी देख सकते हैं, या आपके पास कोई भी सोर्स हो जिसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हो आप वहाँ से भी पढ़ सकते हैं, या तो आप चाहें तो ल्यूसेंट से भी रिवीजन कर सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं हम करंट अफेयर्स की। तो देखो, करंट अफेयर्स अगर हम वैसे बात करें तो लगभग 2-3 महीने पुराना करंट अफेयर्स आ रहा है, लेकिन अगर हम ब्रॉड वे में बात करें तो लगभग 6 मंथ का प्रिपेयर रखिए। अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि 6 महीने का हर एक पॉइंट आप प्रिपेयर करिए, जैसे बैंकिंग में आता है। बैंकिंग में तो करंट अफेयर्स में हर एक छोटी छोटी पॉइंट आती है, लेकिन इधर इतना नहीं, इधर वो क्वेश्चंस आते हैं जो बहुत ही हाईलाइटेड क्वेश्चंस हैं। तो मैं आपको कुछ टॉपिक्स बता रहा हूँ, आप इन टॉपिक्स को प्रिपेयर करिए जीएस में। अब इसका भी मैं सोर्स भी बता दूंगा कि आप कहाँ से कर सकते हैं, तो आप पहले मैं टॉपिक बता दे रहा हूँ उसके बाद सोर्स बताता हूँ। तो देखिए, सबसे पहला आपका जो टॉपिक है वो है अवार्ड्स। जितने भी अवार्ड्स, अवार्ड्स बहुत फेवरेट टॉपिक है एसएससी का। तो जितने भी अभी हाल ही में जितने अवार्ड्स मतलब हुए हैं, जैसे पद्म अवार्ड में, ठीक है, तो पद्म अवार्ड में आप ये नहीं कि सारे इंपॉर्टेंट नाम याद करने हैं, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है, जैसे पद्म विभूषण हुआ, पद्म भूषण में जो इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट नेम है, आप उनको एक बार ज़रूर देख लीजिए कि किसको मिला है, ठीक है, आप ये चीज़ देख लीजिए। उसके बाद नोबेल प्राइज़, सारे जितने भी आपके 6 फील्ड हैं, आप सभी को इसको प्रिपेयर करिए। और जो राइटर हैं वो, जैसे मान लीजिए साहित्य का जिसको मिला है जैसे, तो आप उन दोनों राइटरों का नाम भी याद रखिए, जो पिछले साल के लिए भी इस साल ही मिला है, आप उसको भी याद रखिए। और आपका फिजिक्स और आपका केमिस्ट्री और जो मेडिसिन वाला है, तीनों सबको मतलब पूरा तैयार करिए, ठीक है। और आपका इकोनॉमिक्स वाला तो है ही, तो नोबेल प्राइज़ आप पूरा तैयार रखिए। उसके बाद जो ऑस्कर में मेन मेन अवार्ड्स हैं, जैसे भी ऑस्कर तो अभी कुछ दिनों में ही आया, लेकिन चांसेस हैं कि वो हो सकता है लास्ट ईयर के भी पूछ सकते हैं, तो इसलिए ऑस्कर को आप तैयार रखिए, क्योंकि बेस्ट फिल्म तैयार रखिए कि बेस्ट फिल्म कौन सी है, ठीक है, बेस्ट एक्टर कौन सा है। इस साल तो जोकर के लिए जैकिन फिलिक्स को ही मिल रहा है हर अधिकतर अवार्ड्स में। और जो मतलब मेजर जो हैं उनको आप याद रखिए, जैसे बाफ्टा हो गया, गोल्डन ग्लोब हो गया, इनको हो गया, और इस तरीके से कई अवार्ड्स जो हैं, जैसे कुछ कुछ एरिया, कुछ अलग अलग क्षेत्र में मिलता है, ठीक है, साहित्य एकेडमी हो गया, उसके बाद आपका कई जो बिरला फाउंडेशन के कई अवार्ड हैं, के बिरला फाउंडेशन के, उनके अवार्ड्स को भी आप देख सकते हैं। तो जो मेजर अवार्ड्स हैं, और जो अगर गवर्नमेंट के थ्रू कोई अवार्ड्स मिलता है, जैसे कि सांसद का या वैसा वाला, तो वो तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे सीपीओ के एग्ज़ाम में आप देखेंगे कि सांसद वाले अवार्ड्स कई क्वेश्चंस बने थे, तो अवार्ड्स आप जरूर तैयार रखिएगा, ठीक है।
उसके बाद दूसरा जो इम्पोर्टेंट है वो है स्कीम्स। कोई स्कीम्स लॉन्च की गई है सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट द्वारा नई, ठीक है, कोई पोर्टल लॉन्च किया गया है या कोई मिशन हो बहुत जो टारगेटेड हो, मिशन हो, ठीक है, कोई ऐप एक नया अगर आया हो तो इस ऐप के बारे में पूछ सकते हैं। जैसे सरकार अगर कोई ऐप लेके आ रही है या कुछ अलग टारगेट हो, तो इन सबको तो ये इम्पॉर्टेंट है, मतलब जो बहुत ही हाईलाइटेड है उसको आप प्रिपेयर रखिए, ठीक है। थर्ड जो है आपका मेजर स्पोर्ट्स इवेंट्स जो हैं, तो देखो जितने भी लॉन टेनिस के जितने भी ग्रैंड स्लैम हैं वो चारों आपको याद होने चाहिए। चारों में कम से कम मैन और वुमेन सिंगल्स का तो आपको याद हो, ठीक है। डबल्स वाले में अगर आप भूल जा रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप डबल्स वाले में जो अभी हाल ही के दो हुए आप उनको याद रखिए, और बाकी तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सिंगल्स वाले आप याद रखिए और किस देश से बिलोंग करते हैं वो याद रखिएगा, ठीक है। उसके बाद आपके वर्ल्ड कप जितने भी इवेंट्स हो रहे हैं, अगर वुमेन के हुए या मेंस के हुए, ठीक है, इसको याद रखिए। अंडर 19 वाला वर्ल्ड कप में जो भी कहाँ पे हो रहा है और कौन जीता, किसको हरा के फाइनल में, बस ये सब चीज़ें इवेंट्स याद रखिए। उसके बाद जैसे खेलो यूथ गेम, खेलो इंडिया जो यूथ गेम्स हुए थे कहाँ हुआ था, अगले साल कहाँ होगा, या पिछले साल कहाँ हुआ था, या इस साल विनर कौन सा राज्य था, ठीक है, मतलब टॉप 3 में कौन से थे, आपको ये याद रखना होगा। और एशियाई खेल्स, मतलब जो भी इम्पोर्टेंट इवेंट्स हो चुके हैं या अपकमिंग इवेंट्स जो होने वाले हैं, कि आपका जो मेंस वर्ल्ड कप होगा, क्रिकेट वर्ल्ड कप वो कहाँ पे होगा, ठीक है, या वुमेंस T20 वर्ल्ड कप वो होगा कहाँ पे, जो बहुत ही मेजर इवेंट्स हैं, या आप इसमें उसमें भी ले सकते हो, ओलंपिक भी कहाँ होगा या एशियाई खेल कहाँ होंगे, तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये स्पोर्ट्स इवेंट्स में पूछे जा सकते हैं। तो अपकमिंग इवेंट्स भी, अच्छा इसमें बैडमिंटन इवेंट्स भी आ सकते हैं, और जो बहुत से अलग अलग खेल्स हैं उनको आप इसमें इंक्लूड कर सकते हो, ठीक है। जैसे आप कबड्डी भी डाल सकते हैं, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट इवेंट्स हैं आप उसमें भी डाल सकते हो। आईपीएल विनर तक भी पूछ देते हैं कि इस साल का आईपीएल कौन जीता है, ऐसा करके भी क्वेश्चंस पूछते हैं, ठीक। उसके बाद जो चौथा है आपका इंडिया की रैंक, जो बहुत ही अलग अलग, जैसे वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने कुछ निकाला, ठीक है, लिविंग इंडेक्स हो गया, या अलग अलग इंडेक्स है, आप उसमें इंडिया की रैंकिंग और किसने टॉप किया है, तो आप कम से कम इंडिया की रैंकिंग तो याद रखिए और किसने टॉप किया है उसको आप याद रखिए। उसके बाद पीएम की विजिट और प्रेसिडेंट की विजिट कहाँ कहाँ पे गए हैं ये लास्ट 6 मंथ में, आप इसको चाहो तो आप 1 साल भी कर सकते हो, क्योंकि कभी कभी बहुत, जैसे मतलब जब से पीएम ने इस साल मतलब जब अपना स्टार्ट किया है मई के बाद से, आप तब से उनके विजिट को एक बार जरूर देख लीजिए, कि मतलब जैसे पहली विजिट उनकी कहाँ हुई थी, इस बार दूसरे कार्यकाल में, ठीक है, या प्रेसिडेंट का कहाँ कहाँ पे अभी कौन कौन से देश गए थे, किस देश में पहली बार कोई प्रेसिडेंट गया हमारे भारत से, तो ऐसे कुछ क्वेश्चंस जो हैं उनको आप प्रिपेयर कर लीजिए। उसके बाद जितने भी बुक्स और ऑथर हैं इम्पॉर्टेंट वाले, अभी जो भी इम्पॉर्टेंट है, कोई किसी ने भी बायोग्राफी ऑटोबायोग्राफी डाली है, ठीक है, या तो जो जो बहुत अच्छे कोई ऐसा बुक जिसपे किसी राइटर को जैसे बुकर प्राइज़ मिल गया या मैन बुकर प्राइज़ मिल गया, तो ये क्वेश्चंस और इम्पॉर्टेंट बन जाते हैं, ठीक है, या तो साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला या कुछ भी अवार्ड्स मिल रहे हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं, तो आप इसको एक बार याद रखिए। तो जितने अभी मैंने जितने बताए, ये मेरे हिसाब से कि अभी देखो आप बहुत कुछ नहीं कर सकते, अभी बताने तो होगा तो बहुत कुछ हो जाएगा, लेकिन अभी जो आपके पास टाइम है मैं ये कहूँगा कि आप बस इतना चीज़ें कर लीजिए, और ये ज़्यादा नहीं है, मैं आपको बस सोर्स बताता हूँ। देखिए सबसे पहले बात क्या है कि आप अलग अलग सोर्सेज हैं बहुत जगह, मैं अपने हिसाब से बताऊँ तो देखो पहली बात तो कुछ कुछ सोर्सेज ऐसे हैं कि आप रैंडमली यूट्यूब पे सर्च करेंगे मिल जाएगा आपको। दूसरा क्या है मेरे हिसाब से जो बहुत अच्छा है, जैसे अगर आप चाहें तो, जैसे अभी लास्ट में कौन सा भी एग्ज़ाम हुआ, जैसे आईपीएस क्लर्क का एग्ज़ाम हुआ, तो जो बैंकर्स अड्डा है उसने एक वो निकाली होगी पूरी जो होता है लास्ट 6 मंथ के लिए कैप्सूल जो है, तो आप उसको एक बार डाउनलोड कर लीजिएगा। आप वहाँ पे जाएंगे गूगल पे सर्च कर लीजिए बैंकर्स अड्डा कैप्सूल, वो मिल जाएगी, या तो मैं टेलीग्राम ग्रुप में मतलब डाल दूंगा सर्च करके, आप वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। अभी के लिए तो ये है कि आप सर्च करिएगा आपको मिल जाएगा वहाँ पे, आप सिंपल से लिख दीजिएगा कि बैंकर्स अड्डा कैप्सूल फॉर आईपीएस क्लर्क मेंस, आपको तुरंत ही वो मिल जाएगा, डाउनलोड कर लीजिएगा आप। और हिंदी इंग्लिश दोनों में होगा, तो जिस लैंग्वेज में आपको हो, तो उसमें क्या है कि इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट जो चीज़ मैं बता रहा हूँ वो सब कुछ उसमें इंक्लूड होगा, आप उस वहाँ से कर लीजिएगा। और जैसे कुछ वीडियोस मैं देख रहा था, आरबी चैनल ने भी बना रखी है कुछ इवेंट्स के लिए, जैसे जो वो हो रही है, तो आप उनकी वीडियोस भी देख लीजिए, वो भी सही है, मतलब मेरे ख्याल से जो 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 इस वक्त करंट अफेयर्स आ रही है तो वैसे ही है, तो आप वो भी देख लीजिए, आपके लिए बेनिफिशियल होंगी। और उसके बाद स्टडी आईक्यू ने भी कुछ वीडियोस बना रखी हैं,
इम्पॉर्टेंट, जैसे बुक्स के लिए गौरव गर्ग सर की है, ठीक है, या कुछ इंडेक्सेस अलग अलग से हैं कि इंडिया की रैंक क्या है, और मतलब कुछ थोड़े से वैसे टाइप के क्वेश्चंस हैं, तो आप वहाँ से भी वो वीडियोस आप वहाँ से वो डाउनलोड कर सकते हैं। थोड़ा सा बस आपको मेहनत करना पड़ेगा, सर्च करना पड़ेगा, ठीक है, ये चीज़ आप ये कर सकते हैं और वहाँ पर आपको फ़ायदा होगा। तो ये तो करंट अफेयर्स के लिए हो गई और जीएस के लिए होगी। अब बात करते हैं मैथ्स के लिए। तो देखिए मैथ्स के लिए सबसे सिंपल सी बात क्या है, अब यहाँ पे डिपेंड करता है आपका मैथ्स किस लेवल पे है। तो मैं देखो मैं ये मानता हूँ कि आपका मैथ्स कंप्लीट हो चुका है, आप मैथ्स में ठीक ठाक है, बस आपकी गलतियाँ होती हैं या आप कहीं थोड़ा सा क्वेश्चन वोश्चन में फंस जाते हैं। तो मैं बता रहा हूँ कि अब भी आपको क्या करना है। देखिए सबसे पहले बात क्या है कि जब आपने ये चीज़ तो की होगी मुझे लगता है कि क्योंकि अगर अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपने एक कोई नोटबुक तो मेंटेन की होगी जिसमें आपने क्वेश्चंस नोट करे होंगे, जो क्वेश्चंस आपको बहुत अच्छे लगे होंगे, या तो मतलब जिन क्वेश्चंस में प्रॉब्लम आई होगी आपको, या तो अगर आप राकेश यादव सर की मैथ वाले बुक से भी कर रहे होंगे या किसी से भी कर रहे होंगे, तो आपने उन क्वेश्चंस को मतलब नोट डाउन या उन पर साइन कुछ बनाया होगा। तो अभी क्या है, आप उन क्वेश्चंस को रिविज़न कर लीजिए। अगर आपको लगता है सारे टॉपिक्स का नहीं, जैसे आप टेस्ट दीजिएगा, मॉक टेस्ट देंगे, जिस टॉपिक में क्वेश्चन आपको मतलब आपको लगे कि यार इस क्वेश्चन को मैं कर नहीं पाया, आप केवल उस टॉपिक को पकड़ेंगे और फिर उस टॉपिक के जितने क्वेश्चंस हैं, देखो बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस जो होंगे वो होंगे मुझे लगता है मुश्किल से 40-50 क्वेश्चंस होंगे, वो आप करिए। देखिए टफ क्वेश्चंस के पीछे बिल्कुल मत भागेगा कि टफ क्वेश्चंस मुझे नहीं आ रहे, लेकिन ट्रिकी क्वेश्चंस के पीछे जरूर भागिएगा कि क्योंकि अगर कोई क्वेश्चन ऐसा ट्रिकी टाइप का है जिसको आप उस वक्त नहीं कर पा रहे हैं तो वो आपको एग्जाम में प्रॉब्लम कर सकते हैं अगर वैसा क्वेश्चन आ जाता है तो आप उस पर ज़रा ध्यान दीजिएगा। तो अभी आपको सेक्शन वाइज प्रिपरेशन करना है, जैसे कोई ऐसा टॉपिक है जैसे मान लीजिए कि आपको टाइम एंड डिस्टेंस में कहीं प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है, या प्रॉफिट लॉस के किसी एक टाइप में प्रॉब्लम आ रही है कि ये टाइप आपसे नहीं हो पा रहा है, या आपको एडवांस में भी किसी मान लीजिए टेट्राहेड्रन नहीं आ रहा है, कोई ऐसा कोई भी टॉपिक हो सकता है जो आपको प्रॉब्लम कर रहा है, तो आप उसको आप सॉल्व करिए, ठीक है, और रेगुलर बेसिस पे प्रैक्टिस करिए। जो मैं बता रहा हूँ जो आपके प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चंस जो हैं जिन जिन क्वेश्चंस में आपको प्रॉब्लम हुई थी, जो आपने कॉपी मेंटेन की होगी, आप उनके क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करिए और मॉक टेस्ट दीजिए। आप मतलब अभी हफ्ते में मैं बताऊँगा, हफ्ते में लगभग 3 मॉक टेस्ट दे लीजिए, मुझे लगता है अगर प्रिपरेशन आपकी ठीक ठाक चल रही है तो। ज़्यादा मॉक टेस्ट देने से भी कोई फ़ायदा नहीं होगा अगर आप उसका एनालिसिस नहीं कर पा रहे हो, तो आप टोटल एक दिन आप मॉक टेस्ट दीजिए, तो उसका एनालिसिस करने के बाद अगले दिन जो गलतियां थी उनको मतलब सुधारिए, उसके बाद फिर अगले दिन मॉक टेस्ट दीजिए। इस हिसाब से आज आपकी प्रिपरेशन अच्छी हो गया, और अगर आपकी प्रिपरेशन बहुत तगड़ी है तो आप डेली भी दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, और आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी नहीं हुई है तो आप मॉक टेस्ट के चक्कर में भी इतना मत पड़िए। आप पहले अपने जो जितने भी जो अगर कोर्स रह गया है तो आप उसको कंप्लीट करिए। तो ये डिपेंड करता है आप किस स्टेज पे हैं, ठीक है, आप मुझे बताइएगा, तो अगर कुछ मुझे सजेशन देना होगा तो मैं दे दूंगा, आप मुझसे पूछिएगा अगर कुछ आपको अगर पूछना हो तो आप मॉक टेस्ट दीजिएगा, उसका फिर एनालिसिस कीजिएगा। अच्छा, मैथ्स के साथ रीजनिंग के लिए भी सेम यही स्ट्रेटजी है। रीजनिंग में क्या है कि अधिकतर लोगों को वैसे इतनी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, रीजनिंग बस क्या है कि अगर आप टाइम ज़्यादा ले रहे हैं तो आपको प्रॉब्लम होगी। रीजनिंग आप जल्दी करिए, मतलब कम टाइम में उसको अटेम्प्ट कर लीजिए, थोड़ा बहुत अगर कोई क्वेश्चंस में अगर फंस रहे हैं या कुछ कोई प्रॉब्लम हो रही है जैसे आपको स्लॉग नहीं आता है या कोई इंपॉर्टेंट ऐसी टाइप की कोई चीज़ें नहीं आती तो आप उसको सीख लीजिए अलग से सर्च करके। तो अभी तो इसमें स्लॉग भी बहुत ज़्यादा टफ नहीं आ रहा है, और वैसे कोई अलग से टॉपिक्स तो पूछ नहीं रहे, सिंपल सा है रीजनिंग, तो आप रीजनिंग को तो केवल मॉक टेस्ट से सॉल्व कर सकते हैं। बात करते हैं इंग्लिश की। तो देखिए इंग्लिश में क्या है कि अभी वो कैब ज़्यादा पूछी जाएगी क्योंकि लगभग 25 में से कम 10 नंबर की तो वो कैब लगभग हो जाएगी, तो इसलिए आपको वो कैब पे वहाँ यहाँ पे ज़्यादा फोकस करना है। तो देखो ग्रामर तो आपकी जैसे है, आपने जितने दिन अभी प्रिपरेशन करी हो तो ग्रामर तो आपने पढ़ रखी होगी, तो आप उसको दीजिए। तो अभी आपको क्या करना है, एक तो क्लोज टेस्ट आप डेली दीजिए, जितने ज़्यादा दे सकते हैं उतना बढ़िया है, ठीक है, मतलब अगर आप चाहें तो सेक्शनल टेस्ट भी दे सकते हैं इंग्लिश के लिए, केवल क्लोज टेस्ट के लिए। अगर आपके पास MBA पब्लिकेशन है तो वहाँ से भी आप क्लोज टेस्ट की प्रैक्टिस कर लीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। वोकेबलरी आप वन वर्ड और EDM जितनी भी आपने याद कर रखी होंगी, ठीक है, या तो अगर आपके पास क्यू मैथ वाली ब्लैक बुक हो उसमें तो बहुत ज़्यादा है, या आपके पास नीतू सिंह वाली मैम की बुक हो, या कोई सी भी हो जहाँ से भी आप पढ़ते हो, प्लेटफॉर्म हो आपके पास, आप वोकैब जो है फिर से रिवाइज़ कर लीजिए। जितनी वोकैब है आपके पास, मतलब 1000 हो, 1500 हो, 2000 हो, जितनी भी हो, मतलब वन वर्ड हो, EDM फ्रेजेज हो, एंटोनिम सिनोनिम सारे हो, मिसस्पेल्ड की भी आप प्रॉब्लम लिख लिख के देख लीजिए।
तो वोकैब की ज़्यादा ज़्यादा प्रैक्टिस करिए और क्लोज टेस्ट करिए, ठीक है। मैं ये नहीं कहूँगा कि रीडिंग एकदम छोड़ दीजिए, आप रीडिंग करते हैं तो वो करते रहिए, जैसे आप एडिटोरियल पढ़ते हैं तो पढ़ते रहिए, कोई अगर बुक आप पढ़ रहे हैं तो उसे पढ़िए, कंप्लीट करिए, वो अपना करते रहिए और ये चीज़ आप इस चीज़ पर फोकस करिए। तो इंग्लिश में आप बस आपको बस इतना करना है, इंग्लिश में बस ये है कि आप बस ज़्यादा टाइम वेस्ट मत करिएगा, उसको कम टाइम में करने की कोशिश करिए, क्योंकि इंग्लिश में लोग टाइम ज़्यादा लेते हैं, टाइम कम लेंगे तभी मैथ में आपको थोड़ा सा, अगर मैथ थोड़ा सा अच्छा टफ अभी आता है तो वहाँ पे ज़्यादा आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। मॉक टेस्ट आप 3 दीजिए, मैंने जैसे बता दिया, ये पूरा डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप किस हिसाब से आपकी प्रिपरेशन है, अगर आपकी प्रिपरेशन सही है तो फिर यहाँ पर आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, अगर थोड़ी सी प्रिपरेशन में प्रॉब्लम है तो आप पहले उस कोर्स को पूरा कर लीजिए, वरना बिना अगर पूरा कोर्स पूरा करे हुए अगर आप मॉक टेस्ट देंगे सीधे तो भी आपको प्रॉब्लम होगी, ठीक है। तो ये डिपेंड करता है आपके, आप कहाँ पे इस वक्त हैं, ठीक है। और बाकी कुछ जो है यही सेम स्ट्रेटजी आपको CHSL में भी करना है, कुछ हो सकता है CGL में अगर चेंजेस होगा तो CHSL में आप कुछ चेंज कर सकते हैं, और सेम मतलब दोनों एग्ज़ाम्स के लिए आपको यही स्ट्रेटजी है, ठीक है। और बाकी कुछ अगर आपको डाउट हो या कुछ आपको पूछना हो तो आप मुझसे पूछिएगा और मैं उसको बिल्कुल अच्छे से बताऊंगा। और एक मैं वीडियो और बनाऊंगा कि आप मॉक टेस्ट का एनालिसिस किस हिसाब से करेंगे और आप पेपर अटेम्प्ट किस हिसाब से करेंगे, तो पेपर अटेम्प्ट करने में भी बहुत लोगों को बहुत प्रॉब्लम होती है, तो इन दोनों पे हम डिस्कस करेंगे उस वीडियो में, ठीक है। तो इस वीडियो में बस इतना ही, और बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए।